नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर पुलिस लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं बाणगंगा पुलिस ने 70 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को कल चेकिंग के दौरान क्षेत्र का एक बदमाश जो कि नशा करने का आदी है, आरोपी का नाम चिंटू उर्फ चिट्टी है, युवक की संदिग्ध हरकतें दिखी, तभी पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी के पास से 60 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने जब्त की है। वहीं पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने ब्राउन शुगर लाना जावरा से बताया। वहीं पुलिस ने आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं आरोपी पर पूर्व में भी NDPS एक्ट और कई मारपीट के प्रकरण भी दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी से और भी कई मामलों में पूछताछ करेगी। ये कल दिनांक 26/2/2023 की बात है। मैं चेकिंग करके एरिया क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था अपने साथियों के साथ में, तभी क्षेत्र का एक जो गुंडा टाइप का लड़का है और जो नशे का आदी है, नशा बेचता भी है, अचानक से मिला वो, जिसका नाम है चिंटू उर्फ चीटी। तो उसकी संदिग्ध हरकतें दिखी, जिसके हमने उसे रोक के उसकी तलाशी ली तो उसके पास में से 60 ग्राम ब्राउन शुगर उसके पॉकेट में से मिली। इसके बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि ये ब्राउन शुगर वो जावरा से लेके आ रहा था। तो उसकी फिर NDPS की कार्रवाई की गई। पूर्व में भी उसके कई अपराध हैं, जैसे 327 है और NDPS के पीने के अपराध हैं उसके 8/27 है, और भी अपराध हैं, दीगर थानों में भी है, जहाँ से जानकारी लेके जाँच की जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।